उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद जनपद मैनपुरी के तहसील कस्बा भोगांव व बेबर में भ्रमण कर पॉलिथीन के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही पॉलिथीन को लेकर जाने वालों को रोककर उन्हें थैले भी बांटे गए। नगर में पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों की दुकानों की तलाशी ली गई। उनके पास से बरामद हुई पॉलिथीन को कब्जे में लेकर कड़ी हिदायत दी गई। रविवार को मैनपुरी जिले के तहसील भोगांव में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कराने के लिए तहसील के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम भोगांव, पीसीआर व सीओ भोगांव प्रियांक जैन व नगर पंचायत भोगांव के अधिशासी अधिकारी श्याम वरण सरोज ने थाना पुलिस व नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ कस्बा भोगांव और बेवर में पॉलिथीन के प्रयोग पर पाबंदी लगाए जाने एवं पॉलिथीन का प्रयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ जुर्माना वसूले जाने की चेतावनी भी दी। साथ ही जिन दुकानदारों के पास पॉलिथीन बरामद हुई है उनको जब्त किया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पहले दिन अधिकारियों ने अमली जामा पहनाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद सुबह से ही लगातार कस्बा में पॉलिथीन का प्रयोग होता देखा गया। सुबह से ही रोज की तरह पॉलिथीन में सब्जी, आम, केले, समोसे, बिड़ई, मिठाई आदि सामान बेचने वाले दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करते पाए गए। जिन्हें अधिकारियों द्वारा चेतावनी देकर छोड़ा गया, वही नगर के दुकानदारों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि पॉलिथीन की रोकथाम के लिए दुकानदारों को परेशान करने के बजाय पॉलिथीन बनाने वाली कंपनियों को बंद कराया जाए। जब मार्केट में पॉलिथीन आएगी ही नहीं तो उसका प्रयोग खुद ब खुद रुक जाएगा। सर, आज आपके द्वारा भोगांव नगर पंचायत में पॉलिथीन के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, किस तरह से ये अभियान चलेगा और कैसे इसकी रोकथाम होगी? आज 15 जुलाई के से पॉलिथीन का प्रतिबंध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी आदेश के क्रम में हम लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग से, नगर के संभ्रांत व्यक्ति और सभासदों के सहयोग से ये लोगों में मैसेज देने के प्रयास किए हैं कि पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसका उपयोग बंद करें। आज जिन व्यक्तियों ने पॉलिथीन लेकर के बाहर जा रहे थे उनको हम लोग एक प्रोत्साहन के रूप में एक झोला देकर के उनसे अपील की है कि वो भविष्य में जब निकलें तो घर से एक झोला लेकर निकलें, पॉलिथीन का उपयोग ना करें। इसी तरह के ग्राम के कस्बे के सभी दुकानदारों से भी अपील की कि पॉलिथीन चूँकि प्रतिबंधित हो गई है तो किसी प्रकार से उसका उपयोग ना करें। भविष्य में अगर पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो दुकानदारों के खिलाफ या लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या जो दुकानदार थोक विक्रेता हैं पॉलिथीन के, जो पॉलिथीन बेचने का कार्य करते हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आज हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन ये दुकानें बंद थी, उनको पृथक से छापा मार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके यहाँ इस तरह की पॉलिथीन प्रतिबंधित पॉलिथीन पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिथीन पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी व कर्मचारी इस रोकथाम को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्रदेश सरकार को पॉलिथीन का प्रयोग पर रोक लगाए जाने से पहले उन फैक्ट्रियों को बंद कराया जाना जरूरी था जो फैक्ट्रियाँ ये पॉलिथीन तैयार करती हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार द्वारा पॉलिथीन बंद कराया जाना कितना कारगर साबित होगा। CIB इंडिया न्यूज़ मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।